Hello friends, I welcome you all on your own channel Prapa, and this will be the class 2 of your GK series which we have started for PRT, TGT and PGT students. आप सब जानते हैं कि DSSB की तरफ से भी vacancies आई हैं for PRT, तो इसीलिए जो हमने series start किए for GK, science, you know, computers, it will be beneficial for you. But before that, I would like to give you a message कि प्लीज़ आप सब इस पैंडमिक में अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, डबल मास्क पहने, सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन कराएं, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने अपने आसपास जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, इन सब का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें. ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ. ओके, बिकॉज फॉर नाउ अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और प्लीज़ अननेसेसरली बाहर ना जाएं, अगर कोई अर्जेंसी है तभी बाहर जाएं. सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी दैट इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द वीडियोज़ दैट आर कमिंग ऑन आवर चैनल. आज का जो हमारा GK है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. ये क्लास सेकंड होगी इस सीरीज की, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, आप सब जानते हैं कि हम जो है हर एक क्लास में 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम. ओजोन लेयर हमारे हमें किस चीज से बचाता है, किन रेज से बचाता है, वो आपको चुनना है. तो मैं साथ साथ ही मैं यहाँ पे सही आंसर मार्क करती जाऊँगी और आप क्या करें, बाय द टाइम आई रीड द क्वेश्चन, अगर आपको सही आंसर पता है तो यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट. आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव चोजन अल्ट्रा वायलेट रेज. तो जो ओजोन लेयर है ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है जो कि बहुत सारा डैमेज कर सकती है प्लांट लाइफ को, एनिमल लाइफ को, बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट कर सकती है. तो आई एम होल्डिंग दिस माइक सो दैट आवाज़ का बहुत इशू होता हुआ, वॉइस इशूज होते हैं, तो आई एम जस्ट होल्डिंग इट. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज द कोल्ड एंड डेंस एयर ब्लोइंग डाउन द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग द नाइट इज नोन एज. जो नाइट में एयर ब्लो होता है डाउन द स्लोप फ्रॉम अ माउंटेन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इज इट कॉल्ड एज एनाबैटिक विंड, कैम्पसन, कैटाबैटिक विंड और हार्मटन. सो लेट मी टेल यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज दैट इट्स नोन एज कैटाबैटिक विंड. So I'm going to mark it here. Okay, these questions are very important for, from geographical point of view, ye location, climate, weather ki questions aate hain. Okay, so question number third, when the wind is deflected due to the rotation of the earth, it is called as, okay, earth ki, earth jab deflect hoti hai rotation ki wajah se, रोटेशन जब होती है तो डिफ्लेक्शन की वजह से जो है विंड्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, उन विंड्स को हम क्या कहते हैं, आर दे कॉल्ड एज जियोस्ट्रोफिक विंड, आर दे कॉल्ड एज पोलर विंड, आर दे कॉल्ड एज वेस्टरलाइज और आर दे कॉल्ड एज ट्रेड विंड्स, वॉट डू वी कॉल देम. सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, क्योंकि ये जो विंड्स होते हैं ये क्रिएट होते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सो दे आर नोन एज जियोस्ट्रोफिक विंड. So option A is the correct answer here. Temperate question number 4, temperate cyclones bring along with them, temperate cyclones जो होते हैं जो कि polar regions में originate होते हैं south pole, north pole में, तो वो अपने साथ क्या लाते हैं, pleasant weather, snowfall, hail, thunderstorms and torrential rainfall and mild rainfall, तो क्या लाते हैं. तो let me tell you that option C is the correct answer here. वो अपने साथ thunderstorms और hail, torrential rainfall लाते हैं, तो option C is the correct answer here. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विंड्स ब्लो इन रीजन्स ऑफ लो प्रेशर, विंड्स कहाँ पे ब्लो होते हैं और कैसे ब्लो होते हैं, ये लो प्रेशर रीजन्स में होते हैं, ये फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर मूव करते हैं, और फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो प्रेशर टू अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर फ्लो करते हैं, और इन रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर ओनली. तो आपको ये चुनना है, और अगर आपने सही चुना है ऑप्शन बी तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विंड्स ब्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. ओके,
Now, coming to question number six, I'm continuously checking on the mic. But coming to question number six, doldrums are belts of low atmospheric pressure. जहाँ पे low atmospheric pressure होता है, उनको हम doldrums कहते हैं. Obtained in the regions adjoining the equator to a distance of. और अगर आपको कोई पूछे doldrums कहाँ होते हैं, पहले तो आपको याद रखना है कि doldrums are you know जहाँ पे low atmospheric region atmospheric pressure होता है on Earth, उस region को हम doldrums कहते हैं. और ये जो होते हैं, ये equator के आसपास होते हैं. लेकिन इनकी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है. आर दे 5 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड्स द नॉर्थ ओनली, आर दे 5 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड्स द साउथ, ओके, आर दे 5 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, और आर दे 15 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड्स साउथ. तो आपको यहाँ पे सही आंसर चुनना है. So if you have chosen option C, then you are completely correct. They are 5 degree latitude towards the north and south, okay? So moving on to question number 7, which of the following statements is correct about hurricanes? तो आपको पता होगी hurricanes जो होते हैं वो oceans में you know originate होते हैं, लेकिन कहाँ पे, जो oceans warm oceans होते हैं उनमें water currents जो होती है warm और hot water जो है वो ऊपर आ जाता है, और cold water being heavier वो नीचे आ जाता है. तो उसमें से currents originate होती है, और इन्हीं currents, यही currents जो बहुत तेज तेज होती है, तो वो hurricanes बनाते हैं, ठीक है. तो मेरे एक्सप्लेनेशन से ही आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा. हरिकेन्स डेवलप ओवर वार्म ओशन एरियाज, जहाँ पे वार्म ओशन एरियाज होते हैं वहां पे ही हरिकेन्स ऑरिजिनेट होते हैं, ओके. तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही रहेगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एयर इज. तो आपको पता होगी कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर में कितना वाटर वेपर है वो आपकी ह्यूमिडिटी है. ना ह्यूमिडिटी जब आप पढ़ते हो, आपको दो टर्म्स दिमाग में आएंगी. पहली कि एटमोसफेरिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है. एटमोसफेरिक ह्यूमिडिटी है जो एक हम पर्टिकुलर जगह की कैलकुलेट करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है. वेल एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये एक ओवरऑल टर्म है जो कि हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. जैसे हम वेदर और क्लाइमेट को अलग अलग, वेदर और क्लाइमेट सेम टर्म्स नहीं होती है, वैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी सेम टर्म्स नहीं होती है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किस इंस्ट्रूमेंट से, देखिए इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं आपको वो चुनना है. तो इज इट हाइग्रोमीटर, पेंटोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोग्राफ. तो देखिए ये हम हाइग्रोमीटर में से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करते हैं और मेजर करते हैं, ओके. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके. मूविंग ऑन, द आयनोस्फेयर कंटेन्स आयोनाइज्ड एयर एंड दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम, ओके. जो आपको पता होगी कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एंड फाइनली सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, एंड देन थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर. आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, एंड लास्टली एक्सोस्फेयर. इनिशियली मैं मीजोस्फेयर बोलना भूल गई थी. तो ये जो है आयनोस्फेयर हमें किस, हमारे जो अर्थ को किस से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, इंफ्रारेड रे से बचाता है, फॉलिंग मीटियोराइट से बचाता है, और नन. इसका आपका आंसर होना चाहिए द फॉलिंग मीटियोराइट्स, बिकॉज आयनोस्फेयर बीइंग अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत हाई होता है. आपको पता होगी आसमान से बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स यू नो फॉल होते हैं. तो अगर ये लेयर ना हो तो अर्थ तो कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, बिकॉज कुछ मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो अर्थ के साइज से भी बड़े होते हैं. तो ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये उनको बर्न करती है, उनको जलाती है, इसकी वजह से वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, और अगर पहुंचते भी हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रॉक्स. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय
अब मैंने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रो मीटर से मेजर करते हैं और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हम साइक्रोमीटर से मेजर करते हैं, या प्लीज़ याद रखिए साइक्रोमीटर। मूविंग ऑन, अ सडन फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स। देखिए बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, और अगर उस बैरोमीटर की रीडिंग में एक सडन फॉल आता है, व्हाट डज इट इंडिकेट? वो इंडिकेट करता है कि स्टॉर्म आने वाला है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, मूविंग ऑन, द डेंस मास ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑन स्मोक पार्टिकल्स इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। आपको पता होगी जहाँ पे बहुत सारा स्मोक होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है, वहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी हो तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उस स्मोक को कवर करते हैं और वो बनाते हैं स्मॉग, ठीक है। स्मॉग इज बेसिकली स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग मेक स्मॉग, ठीक है। तो वो स्मॉग बनाते हैं, स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग प्लस स्मोक, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, ये हमने आज के 12 क्वेश्चंस किए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज अपना ख्याल रखें और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।